एक आयोजन हेतु सावने शहर पधारे सिनी कलाकार संजय नार्वेकर ने वाहन चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने का अनुरोध किया। विशेष आयोजन हेतु सावने पहुंचे फिल्म वास्तव में डेढ़ फुटिया का यादगार अभिनय कर अपनी कला की छाप छोड़ने वाले फिल्म अभिनेता संजय नार्वेकर से महामार्ग पुलिस पाटन सावंग की हेटी पार्टी के प्रभारी थानेदार विजय मुसनवार तथा सहयोगी अधिकारी कर्मचारियों ने भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संजय नार्वेकर ने महामार्ग पुलिस तथा पुलिस विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग का कार्य सचमुच एक चैलेंजिंग कार्य है। पता नहीं कब क्या घटना दुर्घटना हो जाए, उसमें भी महामार्ग पुलिस को तो हमेशा ही एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है। पता नहीं कब और कहां सड़क हादसा हो, दिन रात कभी भी ऐसी अप्रिय घटना घटित होते ही दुर्घटना में घायलों को उपचार हेतु पहुंचाकर उनकी जान बचाने को प्राथमिकता देना, साथ ही हादसा ग्रसित मार्गों पर यातायात सुचारू करना और यह सब कार्य करते हुए भी आम जनता के ताने सुनना आम होता जा रहा है, फिर भी ये विभाग अपने दायित्व को निभा रहे हैं। ऐसे कर्तव्य दक्ष पुलिस अधिकारी कर्मचारी तथा संपूर्ण पुलिस विभाग को मैं हमेशा ही गर्व की दृष्टि से देख उनकी कार्य तथा लगन को सैल्यूट करता हूं, ऐसे विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से तेज गति से वाहन ना चलाए, गलत दिशा से ओवरटेक ना करें, वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाए तथा गति पर नियंत्रण रखे, वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, विपरीत दिशा से वाहन ना चलाएं, ऐसा निवेदन करते हुए कहा कि वाहन चलाते वक्त बस एक बात जरूर ध्यान रखें कि घर परिवार में कोई हमारी राह दिख रहा है। यह मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, इसका आनंद ले, ऐसा मार्मिक विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महामार्ग पुलिस पाटन सावंगी हेटी चौकी के शिव शंकर ठाकुर, चंद्रशेखर टिकाड़े, किरण वाहने, परेश लुटे, सतीश ठाकरे आदि कर्मचारी उपस्थित थे। नमस्कार, मैं संजय नार्वेकर, आज मैं नागपुर मध्ये आलेलो आहे। नागपुर पुलिस वाहतूक यांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी काही अभिनव कल्पना काही नियम वगैरे सांगितलेले आहे, हे आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच आहेत। जसं ते त्यांचं कर्तव्य पार पाडतात तसं आपलंही एक नागरिक म्हणून, सुजाण नागरिक म्हणून आपलंही एक कर्तव्य आहे की आपण सगळे नियम पाळावे सुरक्षिततेचे, जेणेकरून अपघात कमी होतील। तुम्ही जेव्हा हे आपले पोलीस सांगतात की हेल्मेट घाला, तर ते त्यांच्यासाठी न तर आपल्या सुरक्षिततेसाठी सांगत असतात। हेल्मेट घातलं तर अपघात, म्हणजे अपघात झाला तरी आपण सुरक्षित राहू, या दृष्टीने ते काही कायदे बनवतात। स्पीड, वाहनाचा स्पीड, जर रेसचा एवढा शौक असेल तर मग रेसिंग कार ट्रॅकवर जा, इथे रस्त्यावर नको, इथे तुम्ही स्वतःचा पण जीव धोक्यात घालता आणि नागरिकांचा पण, इतरांचा घालता। जर तुम्हाला एवढंच रेसिंगचा शौक असेल तर ते ट्रॅकवर जा आणि तिथे मजा करा, पण रस्त्यावर जे आपल्याला नियम घालून दिले तेच पाळावेत असं मी सगळ्यांना आवाहन करतो। NBC News के लिए सावने से किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।